सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग कवर करेंगे स्टारबक्स। तो मोस्ट ऑफ द ओवर हाइप प्लेसेस में से ये जाना जाता है। रील्स तो इसकी भर चुकी है इंस्टाग्राम पे। अब इसका ऑनेस्ट रिव्यू किसी ने भी नहीं दिया है मेरे हिसाब से। किसी को पैसे मिलने का मतलब लाइक ये था कि स्वीट कोटिंग हो गया, शुगर कोटिंग, और कहीं पे अगर पैसा नहीं मिला तो उसका दुख है। तो यहाँ पे उन दोनों को हटा करके एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके पास पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एंड द सपोर्टिंग कास्ट, ठीक है, तो वो भी देख लो। मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, ठीक है, मानसी और मुस्कान। पॉकेट ढीला करने के लिए हम भी तैयार हैं। लेट्स सी कितना का होता है सर कॉफ़ी। और हाँ, ये हाँ, मैं आने के पहले मैंने कुछ भी नहीं देखा है कि क्या है उसका मेन्यू का। एकदम रॉ फुटेज मेरे पास अभी ब्लैंक है। और ये इधर से पीछे से बोल रही है कि हम देख के आए हैं, मत रिवील करो, रहने दो। सो लेट्स गो। स्टारबक्स का कैसा है अंदर का वाइब बता? इनर वाइब तो अच्छा है। हाँ, अब मुस्कान अब तू रिवील कर सकते हो। हम लोग अंदर आ चुके हैं। कितने का कॉफी आता है इसका? हमको लगता है 300-400 के बीच तो आता ही होगा। भाई स्मेल बहुत अच्छा है, मतलब ये बस एक मैकबुक का कमी था। मैकबुक अगर मिल जाता तो पूरा वाइब चेक करते हैं हम लोग। यहाँ स्टारबक्स का सो कॉल्ड वाइब वाला। तो ये दो फ्लोर पे है, ठीक है, एक जो हमने एंटर किया वो है और एक ऊपर की ओर है। अब बताओ कॉफी का हम लोग कहाँ से देखेंगे? हाउ टू ऑर्डर देयर ऑन। तो हम लोगों ने अपना लोकेशन सेट कर लिया है। एंड बिहाइंड आप ये जो पीछे देख रहे हैं ना, स्टारबक्स की गुडीज रखी हुई है। जब आप यहाँ एंटर करोगे ना तो आपको सेलिब्रिटी फीलिंग होगा। मतलब लाइक मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, तुम लोगों के साथ हुआ था? इन लोगों के साथ भी नहीं हुआ, ठीक है, मेरे को नहीं बोला गया था, छोड़ो हम अलग से आए होंगे शायद इसीलिए। तो गेट खुलते साथ कोई एंटर कर रहा है तो उसको लाइक हाँ हेलो सर, हाय सर, ऐसा लाइक मतलब कि हाँ भाई कौन ही एंटर किया है। तो अच्छा हम बता रहे हैं, अगर मान लो हम काम कर रहे होते हैं और अगर हमको कोई यहाँ पे आके जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना वेलकम टू स्टारबक्स सर, हमको कोई जवाब नहीं देता तो मेरे अंदर अंदर गाली देते हैं, पता है, निकलो बाहर सारा, आना मत दोबारा यहाँ कभी। तो ये नाम पे ये कर दीजिएगा, क्या क्या एडिट करना है? अच्छा ठीक है, नाम हम हटा दिए हैं। चलो क्या क्या लिखा ले? ए हम कैमरा से पढ़े कि फ़ोन से पढ़े? ए हमको पहले ये बताओ पी क्या लिखा ले? कॉफी है, पी दिख रहा है? नहीं वो वाला, ये क्या है? राइस है? नहीं पिको। पिको पिको क्या होता है? पिको शॉर्ट स्टॉल, ये सबसे छोटा है, ये नॉर्मल, फिर ये शॉर्ट स्टॉल, ये ग्रैंड, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कौन क्या लेने वाला है? जुआ खेलते हैं बहुत भयानक वाला। चलो तो अभी हम लोग इसमें से ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे हम लोग क्या ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रैपोचिनो सेक्शन से ही सारा कुछ लेने का डिसाइड किया है। तो जावा चिप मुस्कान ले रही है, मोका लेगी मानसी, और मैं ले रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बेसिकली कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी और बाकी जगह कोल्ड कॉफ़ी, क्या डिफरेंस है। क्या लेना था आपको? हाँ और मेरे को कोल्ड कॉफ़ी लेना था, तेरा जावा चिप और इसका मोका। बस कोल्ड कॉफ़ी लिखा हुआ था फ्रैपोचिनो का, देखो तो बहुत लिखा हुआ है। नहीं नहीं उसमें शॉर्ट नहीं है, टॉल ग्रेनेड और वेंटी है। नहीं है, नहीं है। हाँ। ये कौन सा साइज है? ये टॉल है। ओके ओके, ये वेंटी है। ओके अब बताओ कौन सा लेना है? मेरे को टॉल लेना है। ठीक है, तो तीन टॉल कर दीजिएगा, एक जावा चिप और एक मोका। जावा चिप, हाँ, मोका एंड कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी, अरे कोल्ड कॉफी में शुभम, SUBHM। तो गाइस फूड में हम लोगों को कुछ सजेस्ट नहीं किया गया है, बट हम लोग अपने मन से कुछ लेंगे। तो हेल्प मी, ओए बताओ। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा। देखो मालिक, रुको रुको मालिक, इतना खर्चा हो गया है, एक लेज ले ही लेते हैं। एक चिप्स का पैकेट। तो क्रोसों एक हम लोग लेने वाले हैं और कुछ वेज में देखेगा तुम, ठीक है, ताकि हाँ यस वेजिटेरियन गाय, वी हैव वेजिटेरियन गाय। तो क्रोसों के साथ हम लोग कुछ वेजिटेरियन में और कुछ ट्राई करने वाले हैं। वेज में क्या बताएं? वेज में तो यही है बस, यही है और एक पफ है।
ये भी है लेकिन ये तो लेना बेकार है। ये पेस्टो पेस्टो वेजी सॉल्ट ऑफ कर दो, ठीक है। एग वाइट चिकन इन मल्टीग्रेन क्रोसॉन दिख रहा है क्या? ये भी क्रोसॉन है, वो भी क्रोसॉन है। ये नॉनवेज फिलिंग है, उसके अंदर फिलिंग नहीं है, वो पूरा बंद है। तो नहीं, जब ये ले रहे हैं तो वो नहीं लेंगे। हाँ तो वो और वो ले लेते हैं, ठीक है। एक पेस्टो वेजी सॉल्ट ऑफ सैंडविच और एक एग वाइट चिकन इन मल्टीग्रेन क्रोसॉन। सो दैट्स आवर बिल, और ये बिल मैं ढक देता हूँ। बस ऐसे ढकना चाहिए। हाँ, अब देखो ये हमने क्या क्या लिया। टॉल कोल्ड कॉफ़ी एक हमने लिया, टॉल मोका लिया है, टॉल जावा चिप लिया है, एक क्रोसॉन लिया है जो कि एग एंड चिकन वाला स्टफिंग वाला है, ठीक है। और साथ में पेस्टो वेजी एंड सॉर्डो सैंडविच लिया है। हम लोगों ने जो भी चीज़ें ट्राई किया, ठीक है, जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ये लगभग लगभग सबका आइटम का प्राइसिंग कॉफ़ी वेयर समवेयर अराउंड 270, 330, 290 ऐसे ऐसे कुछ करके, ठीक है। और मुस्कान प्रिटी मच हमको यहाँ का स्नैक्स ज़्यादा महंगा लगा। हाँ, कॉफ़ी से ज़्यादा कॉफ़ी तो ठीक है, कॉफ़ी तो ठीक है। स्टारबक्स का भाई वो लोगो है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा। एक वो नहीं होता है जैसे BHI वाला लोग वो प्रमोशन करता है, लोग बताता है कि चाय 10 रुपये का लोग यूँ बेचता है, मेन कमाता है वो लोग खाना बेच के। हाँ, हम लोग लग रहा है ये भी यही कहानी है। हम लोग स्टारबक्स को बहुत तोड़ दिए। या हमने कोड क्रैक किया, कोड निकाल दिया, वी क्रैक द कोड स्टारबक्स पे। ये है हमारा वेजी पेस्टो सावडो सैंडविच, और ये क्या था रे? एग वाइट चिकन नहीं, ये है क्रोसॉन चिकन एंड एग। पहले एग आया कि चिकन, वो तो दुनिया को भी नहीं पता है लेकिन स्टारबक्स को पता है। तो ये सब एकदम ठंडा हो गया होगा। ए मत बोल ऐसे, नहीं बताएंगे लोग का दाम, आप लोग भी होश हो जाइएगा। चलो सब अपना अपना कॉफी उठा लो तो जल्दी से। ये किसका है? मेरा है। हाँ ले लो। स्टारबक्स इज यूजिंग प्लास्टिक का स्ट्रॉ। ओके बताऊंगा आपको, रिव्यू बाद में बताऊंगा, इन लोगों से पहले पूछ लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ठंडा है लेकिन अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। तुम बर्फ डलवाना नहीं वाली थी कहाँ? हाँ, अरे मेरा दिमाग से उतर गया। ये अच्छा है लेकिन, नो डाउट अच्छा लगा। टेस्टी, हाँ सही में टेस्टी। अगर तुम इसको बोलो जावा चिप जैसा, इसमें क्या क्या तुमको टेस्ट पता चल रहा है अंदर से? चॉकलेट और वेनिला टाइप थोड़ा, उसके अलावा तुमको नहीं कुछ समझ में आया। आइसक्रीम का भी फ्लेवर है? आइसक्रीम नहीं, व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम, ओके। और मानसी कॉफी अच्छा है। बाकी उसमें अंदर से कैसा फील है, कैसा क्या है? मेरे से कॉफी का आ रहा है, कॉफी, हाँ कॉफी और शुगर का ही टेस्ट आ रहा है। यही तो 600 जैसा मानसी ने डिस्क्राइब किया, इसमें कॉफ़ी और शुगर का मेनली फ्लेवर है, और बोलूँ तो इसमें स्वीटनेस थोड़ा ज़्यादा है। एंड मैंने जो ट्राई किया उससे कम, मतलब मेरा वाला कम ही मीठा था। और लिटरली अब इसको पीने के बाद लग रहा है हमको अपने वाले का मिठास पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। बाकी बोलूँ तो टेस्ट वाइज तो इट्स कॉफ़ी इज़ गुड बट नॉट वर्थ द प्राइसिंग। अब मेरी कॉफ़ी की बात करूँ ना तो ये जो कोल्ड कॉफ़ी है इसमें कॉफ़ी कोल्ड है, फ्रॉथ है ऊपर जो ब्लेंड करने के बाद ऊपर से फ्रॉथ आया, बट ये मिल्क बेस्ड कॉफ़ी है। ये टोटली इसमें ऐसा नहीं लगे आपको कि पीने के बाद कैसे बताऊँ, थोड़ा एक रिच ठीक वो वैसा टाइप का नहीं है, ठीक है। तो ये है इनका पेस्टो वेजी सावरडो सैंडविच, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप लोग बोलोगे ये किस तरीके का सैंडविच है, सैंडविच तो दो तरफा होता है, एक और होना चाहिए था। वेल बाहर ना थोड़ा सा सैंडविच का ऐसा भी है कि सिंगल लेयर सैंडविच भी होता है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, रिच है, क्रीमी है। चलो जैसे फ्लेवर का बोलूँ ना तो इसमें पेस्टो सॉस का यूज़ किया गया है, बटर है, अच्छे अमाउंट में बटर है। साथ ही बोलूँ तो ग्रिल्ड मशरूम्स है और
काफ़ी क्रीमी है, ठीक है। एट द सेम मोमेंट जो इसका डो बोलूँ, मतलब जो नीचे जो ब्रेड है वो सावर डो यूज़ किया गया है। सावर डो इज़ लाइक अ मोर ऑफर हेल्दी ब्रेड। ये मैं आपको बताऊँ तो दो तीन दिन ना जो आपका जो फ्लोर होता है उसको फर्मेंट करने के बाद उसका जो सावर डो का कल्चर होता है उसको यूज़ करके इसका ब्रेड बनाया जाता है। इट सीम्स टू बी मोर फ्लफी। खैर, लेट्स मूव विद दिस क्रोसॉन। सो दिस इज द क्रोसॉन, लेट्स ट्राई दिस। तो फिलिंग में आपका क्या है ना कि जो एग है ऑमलेट, आपका जो एग वाइट का ऑमलेट है, मेनली मुझे यही लगता है इसमें एग येलो यूज़ नहीं किया गया। और ये जो चिकन सॉसेज है आपके अंदर से, जो उसका स्लाइस या तो चिकन सलामी है या तो फिर चिकन सॉसेज का कट पोर्शन है जो कि अंदर है, एंड सम सॉर्ट ऑफ क्रीम है अंदर में, ठीक है। इट्स मोर ओवर वेरी लाइट फ्लेवर प्रोफाइलिंग। तो टेस्ट वाइज तो ओके है, बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फ्लेवर है सच। तो ये सब तो अभी पहले हम लोग फिनिश करते हैं, उसका लास्टली मैं एक समअप कर दूंगा कि मुझे स्टारबक्स कैसा लगा। तो ये अभी मानसी ने भी ट्राई किया, तुमको कैसा लगा? अच्छा है। पर तुमको तो बटर नहीं पसंद है? कभी कभी अच्छा लगता है। तेरा चिकन तो बाहर रह गया। ठीक ही है, प्लेन फ्लेवर है बट ठीक है, बट उतना महंगा के हिसाब से ठीक नहीं है। नहीं है, या तो बड़ा होना चाहिए या टेस्ट होना चाहिए। इसमें सिर्फ चिकन डालता तो ज्यादा अच्छा लगता। बट ये दोनों में अगर मुझे प्रेफर करना होगा तो हम इसको बोलेंगे। आप लोगों को बताओ कैसा लगा स्टारबक्स? ठीक था, नॉट एक्सट्रीमली। टेस्ट रुको, टेस्ट वाइज 5 में 10 में 10 में 10 में टेस्ट 5 ओके। प्राइस वाइज 7, मतलब वेज वाला, नॉन वेज वाला, वेज वाला। ठीक है ठीक है। और प्राइस में? प्राइस में तो बहुत ओवर प्राइस, खाना का प्राइस बहुत ज्यादा ये था, कॉफी का नॉर्मल था। हाँ, कॉफी का प्राइस कॉफी का नॉर्मल है, खाना का बहुत। अब भाई स्टारबक्स दे रहा है तो उसका ब्रांड वैल्यू है तो उतना कॉफी तो देगा ना। ठीक है ओके। और सर्विस? अच्छा, सर्विस बहुत अच्छा है। ओके, एंबियंस? हेलो सर, एंबियंस एंबियंस भी अच्छा है। ओके ठीक है। सो माई रेटिंग फूड टेस्ट वाइज, जैसा इन्होंने बोला मैं फूड के लिए तो 5 ही दूंगा, कॉफ़ी के लिए मैं अलग रेटिंग दूंगा। इट्स वाज अराउंड लाइक, हाँ कॉफ़ी का टेस्ट अलग बताओ। कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सा जिसको 10 में मीठा नहीं पसंद 10 में उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, बोलेंगे ना 6, क्योंकि जो लोग को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है उसके लिए उसको पसंद नहीं आया, नहीं है मीठा पसंद। ओके, मेरे लिए कॉफ़ी 6.5 के अराउंड होने वाला है, क्योंकि लाइक ठीक है, ठीक था, पर हाँ मानसी का कॉफ़ी कुछ मेरे को ज़्यादा मीठा लगा। हाँ, मेरा एवरेज था, वैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक था, लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा था। सर्विस वाइज फुल नंबर है, मैं सबसे ज़्यादा नंबर सर्विस को ही दूंगा, इट्स लाइक 9, ठीक है। बट एक नंबर मैंने क्यों काटा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप एक छोटा सा है, बिकॉज द जो स्टाफ है, हाँ एक तो धीरे बोल रहे हैं और बस, हाँ लेकिन सर्विंग ऑर्डर के टाइम पे थोड़ा सा शाउट कर देता है कि लाइक इनका ऑर्डर करके समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट ऑर्डर लेने में थोड़ा सा उनका पुलाया, ऑडियो थोड़ा सा कम है, और हाँ इंग्लिश जो पूरा ऑडियंस लाइक, मतलब कि जो अगर प्रॉपर इंग्लिश जिनको नहीं आता अगर वो गलती से आ जाते हैं तो शायद थोड़ा हिचकिचाहट, हाँ कि क्या पूछे, बिकॉज दे हिंदी में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। यस, अब मेरे को यही नहीं मालूम कि इनका एक बैरियर या पैरामीटर सेट किया हुआ है या क्या, ठीक है। तो सर्विस के लिए बहुत मतलब अच्छा नंबर मैं इनको 9 दे रहा हूँ, एम्बियंस के लिए लाइक प्रीटी मच गुड 7 अराउंड, फूड के लिए 5, कॉफी के लिए 6.5 या 7 समथिंग, ठीक है। हाँ प्राइसिंग के लिए 3 नंबर देना ठीक रहेगा, फूड के लिए तो 3, और कॉफी के लिए इट्स लाइक यूजुअल, ठीक है, क्योंकि अपना ब्रांड वैल्यू के चलते जस्टिफाइड है कि हाँ भाई ठीक है इतना पैसा ले रहा है, ठीक है ठीक है, ठीक है। अगर आप एक रेस्टोरेंट भी जाओगे ना तो एक कॉफी आपको पड़ जाएगा यार 220 के अराउंड पड़ ही जाता लगभग का कॉफी, पता नहीं। अरे हाँ बिल बताना भूल गया, बिल हमारा आया था 1772 रुपए का, ठीक है। हम 700 कुछ सुने थे, पता है
सो होपफुली यू गाइस लाइक द वीडियो. अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अच्छे कंटेंट के साथ, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेज दो जो स्टारबक्स या तो आने वाले हैं या आने का सोच रहे हैं, मतलब लाइक अभी प्लानिंग में ही है. तो होपफुली उनको पता होगा कि कॉफी पियो और निकल जाओ. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. और सब्सक्राइब करने कौन बोले, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरा चैनल, माय वीडियो. ओके ठीक है, चलो टाटा बाय बाय. अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे रांची में एक ऐसी जगह जहां पे आपको सारे भारत का जायका मिलेगा, साथ ही कुछ फ्लेवर्स इंटरनेशनल पैन एशियंस के भी. साथ ही जानने को मिलेगा रांची में कहां मिलती है सबसे बढ़िया कोरियन फ्राइड चिकन.